Hello student, today we see the count up counter that is also called as a capital CTU. Okay, so see the first, that is the count up counter. This is a counter instruction which counts the events or operation from 0 to preset value in ascending order. Okay. काउंट अप काउंटर क्या करता है, जो भी काउंटर इंस्ट्रक्शन है क्या करेगा, इवेंट्स और ऑपरेशन को काउंट करने का काम करेगा 0 टू प्रीसेट वैल्यू और असेंडिंग ऑर्डर में. ओके, सो सी द फर्स्ट पॉइंट, व्हेन इनपुट टू देयर काउंटर गोज ट्रू द एक्युमुलेटर वैल्यू विल इंक्रीजेस बाय 1. ओके, जो भी इनपुट हम काउंटर को देते हैं वो अगर ट्रू है तो क्या होगा, जो भी एक्युमुलेटर वैल्यू है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी बाय 1 से. ओके, नेक्स्ट देखो, डज नॉट डिपेंड हाउ लॉन्ग इनपुट इज ट्रू, मीन्स वो जो इनपुट है वो कब तक ट्रू रहेगा वो उस पर डिपेंड नहीं रहेगा. ओके, दैट मीन्स फॉर एवरी ट्रू रक कंडीशन ऑफ एक्यूमुलेटर वैल्यू इंक्रीज बाय 1. ओके, सेम कहा है यहाँ पे कि जो भी अपनी रक कंडीशन है, चेक कंडीशन है, वो अगर ट्रू रहेगी तो आपका जो एक्यूमुलेटर वैल्यू है वो क्या होगा, इंक्रीज बाय 1. ओके, देन सी द नेक्स्ट, दैट इज द फंक्शनल ब्लॉक ऑफ अप काउंटर. सो सी in this is the input to the counter and this is the output and this is the CTU, that is the our up counter. Okay, count up, then counter set by, then preset and then accumulator. Okay, this is the functional block of up counter. Then see the second point here, C5S20 is address of counter in PLC memory. Initially accumulator value is 0. Okay, C5S20 क्या है, it is the address of counter in PLC memory. और ये starting mean initially क्या रहेगा, accumulator value क्या रहेगी, 0 रहेगी. And preset value is predefined value which indicates the maximum count that counter is going to count. Okay, so preset value is what will be indicate, it will indicate the predefined value which indicates the maximum count. Means preset value kya define karegi, predefined value karegi, jo ki indicate karti hai aapki maximum count कितना हुआ है काउंटर का. ओके, सो सी द नेक्स्ट, देयर आर टू आउटपुट स्टेटस बिट्स. अभी मैंने बताया जो टू आउटपुट स्टेटस बिट्स है, दैट इज काउंट अप, दैट इज सी यू, एंड डाउन बिट, दैट इज अ डी एन. ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया है इसके बारे में, क्या होता है सी यू और डी एन. ओके, सो सी the next, that is the operation of CTU. The first, when input is provided to the counter, whenever there is a transition from false to true at the input, the accumulator value of counter will increase by 1. Means जब भी हम लोग counter को क्या देंगे, input provide करेंगे, और तब क्या होगा, जो भी condition आपकी false की true होगी, okay, तब आपका जो accumulator value है वो क्या होगा, increase by 1. Next, when accumulator value becomes equals to or greater than preset value, means जब accumulator value क्या होगी, equal or greater than preset value होगा, तब क्या होगा, जो भी done beat है आपका, the done beat of CTU counter becomes high. Okay, CTU जो है अपना, उसका जो डन बिट है वो कब हाई होगा, जब आपका एक्यूमुलेटर वैल्यू क्या होगा, बिकम्स इक्वल और ग्रेटर देन द प्रीसेट वैल्यू. ओके, देन सी
Done bit of CTU can be used to turn on any output after 5 operations or events. Means done bit क्या होगा? वो turn on हो सकता है कब? After any output after 5 operations. Means 5 operation आपके perform हो गए हैं और output आपको क्या करना है? Done bit वो automatically क्या हो जाएगा? Turn on हो सकता है. Means done bit of CTU can be used to turn on any output after 5 operation. ओके कौन सा भी आउटपुट जो है 5 ऑपरेशन के बाद डन बिट क्या कर सकता है टर्न ऑन कर सकता है. देन नेक्स्ट ऑपरेशन ऑफ काउंट ऑफ काउंटर इज शोन विद द हेल्प ऑफ वेवफॉर्म. वेवफॉर्म भी देखने वाले हैं हम लोग. ओके देन सी दिस काउंटर्स आर रिटेंटिव हेंस इट होल्ड्स द एक्यूमुलेटेड वैल्यू व्हेन इनपुट गोज फॉल्स. मीन्स ये काउंटर जो है रिटेंटिव है. मीन्स क्या करता है जो भी अपना वैल्यू है एक्यूमुलेटेड वैल्यू है वो कब तक वो होल्ड करके रखेगा जब तक इनपुट कंडीशन कहाँ पे जाती है फॉल्स में जाएगी तब तक जब तक कि अपना कंडीशन क्या फॉल्स नहीं हो जाए तभी तक वो एक्यूमुलेटेड वैल्यू क्या करेगा होल्ड करके रखेगा उसको हम क्या बोलेंगे रिटेंटिव. The counter can be reset by using separate input and reset coil. ये जो counter है हम लोग इसको reset भी कर सकते हैं separate input use करके या फिर reset coil use करके. Where address is same as a counter address, by resetting the counter, the accumulator value between zero. Means अगर हम लोगों ने counter reset किया तो accumulator value किसके बीच में रहेगी between zero के बीच में ही रहेगी. ओके सो सी द वेवफॉर्म्स. दीज आर द वेवफॉर्म ऑफ काउंट अप काउंटर. ओके सो यहाँ पे देखो नॉर्मल है मीन्स नेगेटिव पॉजिटिव नॉर्मल यहाँ पे फर्स्ट वेव दी है. ओके सेकेंड देखो क्या है काउंट अप बिट हमने सेट किया है तो वो भी अपनी सेम ही रहेगी जो हम लोगों ने प्रोवाइड की है. ओके अभी डन बिट देखो क्या कर रहे हैं. डन बिट क्या करेगा डन बिट को ऑलरेडी फंक्शन हम लोगों ने प्रीवियस इसमें देखा है. ओके आउटपुट में भी सेम रहेगा जो डन बिट में रहेगा. अभी काउंटर अगर हम लोगों ने काउंट अप काउंटर अगर लगा दिया तो क्या हो रहा है देखो फर्स्ट साइकिल में जीरो बाद में क्या हो रहा है वन हो रहा है पूरी एक साइकिल लेता है वो पॉजिटिव निगेटिव. ओके और सेकेंड में भी क्या हो रहा है अप हो रहा है मीन्स क्या इट इज़ द असेंडिंग ऑर्डर में वो इंक्रीज होगा. ओके कब तक जहाँ तक कि हम लोगों ने वो काउंटर सेट किया है 5 यहाँ पे काउंटर सेट किया है सो 5 तक की वो क्या होगा इंक्रीमेंट होगा. ओके और ये पूरी पॉजिटिव नेगेटिव ही साइकिल लेता है देखो सभी इसमें पॉजिटिव नेगेटिव. ओके सो इस तरह वो क्या होगा काउंट ऑफ काउंटर वर्क होगा. ओके ये हो गया आपके वेवफॉर्म के इस पर. So this is the count up counter. Thank you.